नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप SBI का डेबिट कार्ड या ATM कार्ड कैसे किस प्रकार आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया था किस प्रकार आप इसे अप्लाई करेंगे, मगर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि उनका जो डेबिट कार्ड ATM कार्ड है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मेरे जो SBI का नेट बैंकिंग का अकाउंट है यहाँ पर मैं लॉग इन हूँ, तो यहाँ पर मैं ई सर्विसेज पर जाऊँगा। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप मोबाइल में यूज़ करें तो आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड यूज़ कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर आना है आपको ई सर्विसेज पे। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा लैग करना है, यहाँ पर आपको ATM कार्ड सर्विसेज मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ATM कार्ड सर्विसेज में आपको यहाँ पर 6 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लॉक ATM कार्ड, ATM पिन जनरेशन, रिक्वेस्ट या ट्रैक डेबिट कार्ड, ATM कार्ड लिमिट चेंज करना, इसके बाद न्यू ATM कार्ड को अप्लाई एक्टिवेशन करना, और जो जो अपने आपके अकाउंट के साथ जितने भी ATM कार्ड लिंक है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तब अभी हम ATM कार्ड को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका होता है, यहाँ पर आपको ATM पिन जनरेशन का ऑप्शन मिलता है, इसके नीचे आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और ट्रैक डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम ट्रैक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके अकाउंट की डिटेल्स शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर कार्ड कैटेगरी, आपके यहाँ पर दो प्रकार के कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ पर बार बार बताता रहता हूँ कि आपको जो ये दो ऑप्शन है ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलते हैं। अगर आप ब्रांच में फिजिकली जाकर विजिट करके आप एक फॉर्म भरकर दोगे तो आपको हो सकता है आपको मोस्ट केसेस में आपको रुपए का कार्ड ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि रुपए का डेबिट कार्ड, तो जो कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। जिस प्रकार जिससे आप सपोज मान लो आपको कोई मेंबरशिप खरीदनी है ऑनलाइन, जैसे कि यूट्यूब की या फिर कुछ और भी होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे नहीं खरीद सकते, तो इसलिए आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑनलाइन आप माई कार्ड का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेम ऑन कार्ड। ठीक है, आपको क्या नाम चाहिए आपके कार्ड पर, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किस प्रकार का कार्ड चाहिए, यहाँ पर 3 प्रकार के कार्ड है, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड। फिलहाल तो मास्टर कार्ड बंद हो चुका है इंडिया में, मगर आप चाहे तो रुपे का कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। मगर आपको यहाँ पर अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है कुछ और, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्लोबल कॉन्टैक्टलेस कार्ड यानी कि वीज़ा कार्ड को आप अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको बता रहा है यहाँ पर मोर देन 2 एक्टिव कार्ड आर नॉट परमिट एज पर द पॉलिसी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मोर देन 2 एक्टिव कार्ड्स बता रहा है यहाँ पर, तो फिलहाल ऐसे है। यहाँ पर देखिए, ये है मास्टर कार्ड, ये जो कि अभी यहाँ पर ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी इसका जो एक्सपायरी डेट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो इससे पहले जो मेरा वीज़ा कार्ड था उसकी ऑलरेडी अभी 3 महीने पहले इसकी जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी यहाँ पर मुझे मास्टर कार्ड शो हो रहा है। अभी ये अगले साल तक ये ऐसा ही रहेगा, मतलब इसकी जब तक इसकी जो वैलिडिटी होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती उस तब तक ये ब्लॉक ही शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके 2023 यानी कि अभी एक साल तक मुझे वेट करना है, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बता रहा है मोर देन 2 एक्टिव कार्ड्स आर नॉट परमिटेड, इसका मतलब ये है कि आप 2 कार्ड को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने जो मेथड बताया ये उन्हीं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनके पास ऑलरेडी एक कार्ड है। अगर आपके पास रुपए तो आप इसे वीज़ा या मास्टर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप समझे होंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिलता है ट्रैक डेबिट कार्ड, आप यहाँ पर भी इसे जो एप्लीकेशन है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताया जाएगा आपने कौन से महीने में कार्ड को अप्लाई किया था। ठीक है, आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आप बेहतरीन जानकारी चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप लेफ्ट साइड की वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।